हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल नॉन टेक टेक विथ हसन भाई में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं 7 वीडियो अपडेट कर चुका हूँ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है। जिसने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिएगा। और फिजिक्स का मैं पहला चैप्टर ये अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहूं फिजिक्स के। तो हम लेट ना करते हुए डिस्कस करते हैं। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, या फार्मूला जिसको बोलते हैं आप। तो देखिए, वर्क पावर एंड एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वर्क होता क्या है? वर्क जो होता है हमारा, वर्क होता है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं, ठीक है? वर्क कहते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमको एक पढ़े थे हम लोग, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए बी कॉस थीटा लिख सकते थे, ए बी कॉस थीटा लिखते थे। तो उसी टाइप से डब्लू इक्वल टू एफ इंटू एस लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं डब्लू इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। देखिए, ये फार्मूला यूज होगा फ्रेंड न्यूमेरिकल में, छोटे छोटे न्यूमेरिकल में। अब मैं वर्क की यूनिट की बात करूं अगर, तो वर्क की एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था। तो फोर्स का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? एम मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, फोर्स, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और सेकंड का क्या हो जाएगा? इंटू एस होगा, मास इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये मीटर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है? तो हमारा ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -2। देन हम जो इसका और एक यूनिट होता है वर्क का, जो जूल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? अब इसके बाद मैं कुछ और टर्म यूज कर एक बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपका यूज होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा, सबको पता होगा ये चीज़, हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा, ठीक है? और अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ, स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है? एम जी एच, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है? एम जी और एच का मल्टीप्लिकेशन, मास ग्रेविटी इंटू हाइट का। अब एक टर्म हमारा होता है यूज, मोमेंटम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संवेग, संवेग पी इक्वल टू, संवेग पी इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी, ठीक है? अब देखिए, इस काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप से हमको हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिला था। ALP CVT 1 में भी देखने को मिला था, CVT 2 में भी मिलने के चांस हैं। तो देखिए, नए रिलेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? और हम इसको देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम से गुणा कर दें, अगर दोनों एम से गुणा भी कर दें और भागा भी कर दें, तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, एम वी स्क्वायर, तो पी इक्वल टू क्या होता है हमारा? एम वी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा पी इक्वल टू हमारा क्या होता है? एम भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एम भी का होल स्क्वायर अपॉन एम। तो हाफ ऑफ एम भी पी हो गया, पी स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा। तो हमारा जो रिलेशनशिप होगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, वो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। तो हम फाइनल आंसर याद कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है? अब हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है?
तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 36 से 30 डिग्री कोण पर आरोपित होता है और विस्थापन 10 मीटर होता है तो किया गया काम होगा। इफ़ द फोर्स ऑफ 10 मीटर इज अटैच टू अ ऑब्जेक्ट एट अ 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द हॉरिजेंटल एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर देन द वर्क विल बी डन। तो वर्क डन पूछ रहा हमसे कितना होगा, तो हमको पता है कि W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, यहाँ पे इंटू है ठीक है। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। तो देखिए अब मुझे क्या क्या पता है, हमको 10 न्यूटन का बल दिया है और 30 डिग्री कोण दिया हुआ है और विस्थापन 10 दिया हुआ है। तो सिंपली हम एफ की वैल्यू 10 रख देंगे इंटू 30 cos 30, विस्थापन 10 दिया हुआ है और cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आप लोग को पता होगा, √3/2। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, 100 100 इंटू √3/2 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 × √3/2 से काट देंगे 100 को, तो 50√3, तो 50√3 इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो एफ हमारा 10 दिया था, एस हमारा 10 दिया हुआ था और 30 डिग्री हमारा एंगल दिया हुआ था थीटा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 50√3 ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य का मान होगा। इफ़ द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वैल्यू ऑफ द वर्क डन इज। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि जो वस्तु है हमारा कहाँ पे विस्थापित हो रहा है, तो हमको थीटा की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। और बोल रहा है कि हमको फॉर्मूला पता है W इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा ठीक है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो हमको अगर थीटा की वैल्यू नहीं गिवेन है तो हम इसको थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि 10 × 5 × cos 0 डिग्री ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 होता है तो 10 × 5 50 × 1 दैट इज इक्वल टू 50। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसका 50 जूल, क्या हो जाएगा 50 जूल इसका सही आंसर होगा, 50 जूल इसका सही आंसर होगा ठीक है, 50 जूल। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला होगा एग्जाम में कि यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्पीड इज मल्टीपल देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। तो ये देखिए आप लोग को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ½mv² ठीक है। और बोल रहा है कि वेलोसिटी को 4 गुना कर दिया जाए, तो अगर हमारा ये पहला इक्वेशन है और वेलोसिटी अब 4 गुनी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगा ½m। अब v को क्या कर दिया जा रहा है, 4v कर दिया जा रहा है, तो 4v² तो ये कितने हो जाएंगे, 16 mv² / 2, 16 mv² / 2 हो जाएगा। तो 2 और ये ½mv², ये देखिए ये क्या दिख रहा है हमको, ½mv² दिख रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो
तो हमारा ये जो इसका सही आंसर होगा वो कितने गुने से बढ़ जाएगा? तो इसका ये 16 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रहा हम। तो काइनेटिक एनर्जी न्यू कितना आया? काइनेटिक एनर्जी न्यू आया हमारा 16 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पूछा क्या है, कितना गुना बढ़ जाएगा, है ना? तो देखिए ये तो 16 टाइम्स हुआ ना, बढ़ा कितना गुना? 15 गुना बढ़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 15 टाइम्स होगा, ठीक है? 15 टाइम्स, तो इसका जो सही आंसर होगा 15 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है? 15 टाइम्स इंक्रीज होगा। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाई 44% एंड द मास रिमेंस कॉन्स्टेंट, देन हाउ मच मोमेंटम विल बी इंक्रीज। मोमेंटम बोल रहा है कितना इंक्रीज होगा, ठीक है? यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि की जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे तो संवेग कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो देखिए मैंने बताया था रिलेशनशिप, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग में जो रिलेशन होता है मोमेंटम में, वो होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m होगा। एक मिनट, ये देखिए आपको यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m होगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, ठीक है? तो देखिए हमको क्या दिया है कि पी प्रारंभ में कितना था, काइनेटिक एनर्जी हमारा 100 था, फिर अगेन 44 हुआ, तो ये हो गया हमारा 100 इंटू 2m, तो कितना हो जाएगा, 10√2m होगा। और काइनेटिक एनर्जी 44% से बढ़ा तो ये हो जाएगा 144 इंटू अंडर रूट में 2m, तो ये हो जाएगा 12√2m। देन इसके बाद हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, 10√2m और 12√2m हमको ध्यान रखना है, ठीक है? कितना कितना, 12√2m और 10√2m, यह आया था हमारा। तो अब हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो रूट टू एम अगर मैं, तो 12 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10 2 और √2m, ये हो जाएगा अपॉन इनिशियल वैल्यू 10√2m, तो कितना हो जाएगा ये, इंटू 100, ये होगा। तो √2m से 2m कट गया और 10 से 100 10 टाइम्स कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारा कितने परसेंटेज का चेंज हुआ, 20% का चेंज हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा कितना परसेंट होगा, वो होगा 20%। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को लिख के करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 न्यूटन का मोमेंटम है, 2 न्यूटन का मोमेंटम वाले 3 kg, 2 न्यूटन संवेग वाले और 3 kg द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है। तो बोल रहा कि एक 2 न्यूटन का संवेग वाला और 3 kg का द्रव्यमान मास है, ठीक है? 3 kg का मास है और 2 न्यूटन का फोर्स है अपना, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो हमको पता है कि पी हमको कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन संवेग दिया है 2 न्यूटन, एम दिया हुआ है हमको कितना, 3 kg, और पी इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है एम इंटू बी होता है, पी इक्वल टू एम इंटू बी होता है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एम, तो पी बाई एम हमारा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है? पी बाई एम हमारा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है? तो अब हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है? तो 1/2 m की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 3 दी हुई थी, और v की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 2/3 आई थी, v इक्वल टू p बाई एम था और p बाई एम इक्वल टू 2/3 था, तो यहाँ पे 2/3 का
होल स्क्वायर होगा 2 बाई 3 इंटू 2 बाई 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 2 बाई 3 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या आ जाएगा, 2 बाई 3 जूल। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 बाई 3 जूल। तो फ्रेंड आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।